आज हम पढ़ेंगे सेवेंथ क्लास का कंप्यूटर का चैप्टर वन, जो कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट वन पढ़ेंगे। पार्ट वन के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये चार कंपोनेंट के बारे में हम ये वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इट इज ए सेट ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर लिंक्ड टुगेदर इन ऑर्डर टू एक्सचेंज फाइल्स, शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स एटसेट्रा। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ये एक नेटवर्क है जिसमें हम दो से ज़्यादा कंप्यूटर को लेके इंटरकनेक्ट करेंगे, इंटरलिंक करेंगे एक केबल वायर के थ्रू या कोई भी मीडियम के थ्रू हम उसको इंटरलिंक करेंगे, ताकि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इजीली फाइल भेज सकता है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। और भी हम कंप्यूटर नेटवर्क में जो हार्डवेयर हम यूज़ किए हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, जो भी हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ किए हैं, तो उसको सभी कंप्यूटर एट ए टाइम यूज़ कर पाएंगे। अगर कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाएंगे तो ये हमको एडवांटेजेस होगा। इसको डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं एक डायग्राम लिया हूँ, ये डायग्राम में देखेंगे। देखो बीच में हमारा एक डिवाइस लगा हुआ है जिसको हम स्विच बोलते हैं। ये स्विच क्या है, इसको इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका काम है डिफरेंट डिवाइसेस को, नेटवर्क में जो डिफरेंट डिवाइसेस होता है सभी डिवाइस को इंटरकनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने तीन कंप्यूटर यूज़ किया है। ओके, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, तीन यूज़र है। यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है। ओके, देन यहाँ पे एक प्रिंटर लगाया है, देन यहाँ पे एक सर्वर है। सर्वर मतलब इसको मेन डिवाइस बोला जाता है, जो कि नेटवर्क में जितने सारे कंप्यूटर होते हैं वो सभी को ये कंट्रोल करता है। ओके, ये मेन डिवाइस है और जिसको हम सर्वर बोलते हैं, फाइल सर्वर। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ये सारे कंप्यूटर का फाइल यहाँ पे वो स्टोर करके रखता है, इसको फाइल सर्वर बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो नेटवर्क में अभी हमारा यहाँ पे तीन कंप्यूटर कनेक्ट होकर यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो ये कंप्यूटर अगर चाहेगा ये कंप्यूटर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं वो मैसेज वो भेजेगा किसको, स्विच को। देन स्विच के थ्रू वो मैसेज इसके पास आ जाएगा। ओके, ये भी कुछ मैसेज भेजना चाहता है, देखो ये ईमेल भेज रहा है, तो ये भी मैसेज जाएगा स्विच के पास, देन स्विच के थ्रू इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर जिसके साथ कुछ मैसेज सेंड करना चाहता है तो वो ये स्विच डिवाइस के थ्रू वो मैसेज सेंड करते रहेंगे। ओके, दैट मीन्स अभी ये जो प्रिंटर, फाइल सर्वर और ये तीन कंप्यूटर, ये सब इंटरकनेक्ट हो गए हैं किसके थ्रू, ये स्विच के थ्रू। तो ओके, तो इसको बोलते हैं हम एक कंप्यूटर नेटवर्क। अगर ये कंप्यूटर चाहेगा कुछ प्रिंट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रिंट करना है तो उसको वो भेजेगा स्विच के पास, देन स्विच के थ्रू वो जाएगा प्रिंटर के पास। उसी तरह अगर ये कंप्यूटर भी चाहेगा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए, तो ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा स्विच के पास, देन स्विच के थ्रू वो जाएगा प्रिंटर के पास, देन प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स देखो ये एक रिसोर्स है, मतलब प्रिंटर एक ही रिसोर्स, फाइल सर्वर एक ही रिसोर्स, वो एक ही प्रिंटर को सारे यूजर एट ए टाइम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता तो क्या होता, सभी अलग अलग कंप्यूटर के पास अलग अलग प्रिंटर होता है, तो सभी अपने अपने प्रिंटर में प्रिंट कर पाते। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही प्रिंटर सभी यूज़ कर रहे हैं एट ए टाइम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिसोर्स, प्रिंटर एक रिसोर्स है, तो ये रिसोर्स हमारा एट ए टाइम सभी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है, फाइल शेयरिंग भी होगा। तब ये कंप्यूटर कोई इन्फॉर्मेशन ये कंप्यूटर को शेयर करना चाहते हैं तो वो फाइल सर्वर के थ्रू वो मैसेज सेंड करेगा। ओके, हमारे पास और भी एक डायग्राम है, देखो यहाँ पे भी बहुत सारे कंप्यूटर है। ओके, ये कंप्यूटर्स ये भी एक स्विच के थ्रू इंटरकनेक्ट हुए हैं, ये भी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं वो स्विच के थ्रू अपने आपको वो सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कंप्यूटर नेटवर्क। देन हमारा एक नेक्स्ट टर्म है,
नेटवर्क रिलेटेड जो कि स्टैंडर्ड लोन कंप्यूटर ये कंप्यूटर नेटवर्क का ऑपोजिट टर्म है. दैट मीन्स ए कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज ए स्टैंडर्ड कंप्यूटर. दैट मीन्स अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, वो इंडिपेंडेंटली है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंप्यूटर. जैसे कि देखो यहाँ पे देखो बहुत सारे कंप्यूटर है. ओके, ये जो बहुत कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कोई भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है. ओके, तो सभी इंडिपेंडेंट है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं हुआ है. ओके, तो ये जो सभी कंप्यूटर को अभी हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड कंप्यूटर. जब तक ये कंप्यूटर इंटरकनेक्ट नहीं होंगे, इंटरलिंक नहीं होंगे, तब तक इसको हम स्टैंडर्ड कंप्यूटर बोलेंगे. अगर एक बार ये सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, ओके, तो उसको हम स्टैंडर्ड नहीं बोल पाएंगे. ओके, तो ये हो गया स्टैंडर्ड कंप्यूटर. नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस है, तो एडवांटेजेस हम पढ़ने से पहले ये डायग्राम को पहले देख लेंगे. ये डायग्राम देखो, ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है. हम एडवांटेज को ये डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ओके, तो यहाँ पे एक प्रिंटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, देन यहाँ पे चार कंप्यूटर है. तो ये जो कंप्यूटर है इसको हम मेन कंप्यूटर बोलते हैं. ओके, ये मेन कंप्यूटर ये चार कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ है, ए बी सी डी. ओके, और मेन कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी कनेक्ट हुआ है. दैट मीन्स इनडायरेक्टली प्रिंटर भी ये चार कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ है. ओके, अगर ये चार कंप्यूटर प्रिंटर को प्रिंटर में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो मेन कंप्यूटर के थ्रू प्रिंटर के पास जाकर प्रिंट कर पाएंगे. ओके, तो ये है डायग्राम. अभी आपने डायग्राम समझ लिया, अभी हम एडवांटेजेस स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट एडवांटेज हमारा क्या है, शेयर फाइल्स एंड इन्फॉर्मेशन. इसमें हम फाइल एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे. मैं कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन में ही बोला था, अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेजना चाहता है, कंप्यूटर ए कंप्यूटर सी के पास कुछ फाइल भेजना चाहते हैं, तो कंप्यूटर ए क्या करेगा, वो फाइल पहले वो किसके पास भेजेगा, मेन कंप्यूटर के पास, देन मेन कंप्यूटर फाइल को कंप्यूटर सी के पास भेजेगा. ओके, तो यहाँ पे कोई भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के पास फाइल शेयर कर सकता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर अभी इंटरकनेक्टेड है. ओके, तो इजीली फाइल शेयरिंग हो सकता है. दूसरा एडवांटेज देखेंगे, शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स. ओके, तो शेयरिंग हार्डवेयर के बारे में बोला था. देखो यहाँ पे जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली प्रिंटर सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है. तो यहाँ पे कोई भी प्रिंट कंप्यूटर चाहेगा, जैसे कि कंप्यूटर ए बी सी डी जो भी कंप्यूटर चाहेगा कुछ प्रिंट करने के लिए, तो वो अपना इन्फॉर्मेशन मेन कंप्यूटर के पास भेज देगा, देन मेन कंप्यूटर वो इन्फॉर्मेशन प्रिंटर के पास भेज देगा. ओके, देन ये सारे इसका सारे इन्फॉर्मेशन प्रिंटर में प्रिंट हो जाएगा. दैट मीन्स एक ही प्रिंटर को सभी ने एट ए टाइम शेयर कर पाएंगे. ओके, अगर ये नेटवर्क नहीं होता है, तो सारी अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाना पड़ता है, जो कि ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है. पर यहाँ पे एक ही प्रिंटर लगाया गया है और एक प्रिंटर में चार काम कर पा रहे हैं एट ए टाइम. ओके, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है. देन ये तो शेयरिंग हार्डवेयर हो गया, अभी सॉफ्टवेयर कैसे शेयर होता है. सॉफ्टवेयर मतलब देखो, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मार्केट से वो कंप्यूटर खरीद के लाना पड़ता है. तो खरीद के लाएंगे तो वो डेफिनेटली कुछ कॉस्ट होगा उसका. अगर चार कंप्यूटर में अलग अलग कंप्यूटर में हम अलग अलग टाइम में इंस्टॉल करेंगे वो सॉफ्टवेयर, तो चार सॉफ्टवेयर हमको खरीद के लाना पड़ेगा. हम ऐसे नहीं करके अगर हम वही सॉफ्टवेयर को मेन कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉल कर देंगे और ये चार कंप्यूटर वो मेन कंप्यूटर से वही सॉफ्टवेयर को साइमल्टेनियसली और एट ए टाइम यूज़ करेंगे, शेयर करके वो यूज़ करेंगे. तो हमको जो चार कंप्यूटर में इंस्टॉल करना था, अभी हमने चार कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया, नेटवर्क का मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया और वो सॉफ्टवेयर को सभी कंप्यूटर शेयर करके यूज़ कर पाएंगे. ओके, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर शेयरिंग. देन नेक्स्ट देखेंगे, प्रोवाइड वेरी फास्ट कम्युनिकेशन मीडिया सच एज ईमेल एंड व्हाट्सएप एटसेट्रा. जैसे कि हम रियल टाइम चैटिंग करते हैं, अभी हम व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड के साथ या चैटिंग करते हैं, मेल के थ्रू अपने फ्रेंड के साथ मैसेज सेंड करते हैं, कोई भी फोटोज वीडियोज वो सब हम सेंड करते हैं, तो
तो ये जो चीज़ हम से सेंड करते हैं वो एक सेकेंड के अंदर भी बहुत क्विकली हो जाता है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को फाइल शेयर करना चाहेगा तो वो इजीली और क्विकली एक से दूसरे के पास मैसेज भेज पाएगा। ओके, अगर स्टैंडर्ड ऑन कंप्यूटर होता तो हम मैसेज ऑटोमेटिकली ऐसे भेज नहीं पाते। हमको एक कंप्यूटर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में लेना पड़ता है तो हम कोई भी मीडियम यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क डीवीडी यूज़ करके एक कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में ले पाते। पर यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क है तो हम अपनी कंप्यूटर में बैठ के विदाउट यूजिंग एनी मीडिया हम डायरेक्टली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेज पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये मैं बोला था अगर हम अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग प्रिंटर यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमको ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही प्रिंटर यूज़ हो रहा है, वो सभी कंप्यूटर एट ए टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है हार्डवेयर के बेसिस में। जैसे कि सॉफ्टवेयर के बारे में बोला था, अगर हम सॉफ्टवेयर सभी अलग अलग कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो हमको अलग अलग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन कंप्यूटर में ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं और बाकी सारे कंप्यूटर वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। द नेक्स्ट, रिलायबिलिटी। ओके, रिलायबिलिटी मतलब देखो, सपोज हमारे पास ये जो चार कंप्यूटर है, चार कंप्यूटर से कोई कंप्यूटर सपोज ब्रेकडाउन हो गया, डैमेज हो गया। ओके, तो कोई कंप्यूटर हमारा डैमेज हो गया, दैट मीन्स अगर एक कंप्यूटर डैमेज हो गया तो हम क्या करेंगे, बाकी सारे कंप्यूटर में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा उसका डैमेज का, बाकी सारे कंप्यूटर जैसे चलते थे वो वैसे चलते रहेंगे, वो दूसरे डायरेक्टली वो मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होके उसका इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते रहेंगे। ओके, अगर एक कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन था वो सपोज डैमेज हो गया वो कंप्यूटर या डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो क्या करेंगे, उसका सारे इन्फॉर्मेशन वो सर्वर से ले पाएंगे, मतलब ये जो मेन कंप्यूटर से वो ले पाएंगे। ओके, तो एक कंप्यूटर का डैमेज होने से नेटवर्क में कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। सो अभी हम देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपकी जो कंप्यूटर नेटवर्क में आप डिफरेंट टाइप का कंप्यूटर को एट ए टाइम इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो या कोई भी कंपनी का हो। ओके, चाहे वो कंप्यूटर हो डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन, कोई भी डिवाइस को आप ये नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो यूनिक्स लिनक्स ओके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो, तो वो सारे को आप एक नेटवर्क में ले सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दिस इज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी। द नेक्स्ट इज योर बैकअप। बैकअप मतलब आपके पास ये नेटवर्क में अगर चार कंप्यूटर हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे कंप्यूटर का बैकअप आप क्या कर सकते हैं, मेन कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब बैकअप मतलब आपके कंप्यूटर में जितने आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी आप सर्वर में मेन कंप्यूटर में रख सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल में जो व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, उसका बैकअप रखते हैं, मैसेज का बैकअप, मतलब बाई मिस्टेकली अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन एक बार रिमूव हो गया तो बैकअप से आप वो सारी चीज़ को रिस्टोर कर पाते हैं, ले पाते हैं फिर से। ओके, इसी तरह आप नेटवर्क में क्या करेंगे, आपका जितने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सभी का इन्फॉर्मेशन आप बैकअप में इसमें रख सकते हैं मेन कंप्यूटर में। अगर आप कंप्यूटर आपका कंप्यूटर में कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली या बाई मिस्टेकली रिमूव हो गया तो आप उसका डुप्लीकेट कॉपी जो आप यहाँ पे मेन कंप्यूटर में रखे हैं वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स ये नेटवर्क के अंदर एवरी यूजर को, एवरी कंप्यूटर को कुछ ऑथेंटिकेशन दिया जाता है, कुछ यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है, वो ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी एंड पासवर्ड यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या कोई भी कंप्यूटर से कोई भी इन्फॉर्मेशन को वो एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स या कोई भी फाइल कोई भी सॉफ्टवेयर को वो एक्सेस कर सकते हैं। तो विदाउट यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड विदाउट ऑथेंटिकेशन कोई भी किसी का इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज मोर सिक्योर। नेटवर्क में
आप ये नहीं सोचेंगे कि हम नेटवर्क यूज़ करें कोई भी हमारा इन्फॉर्मेशन चुरा के ले जाएगा, हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कोई ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स है वही आपका इन्फॉर्मेशन को लेंगे। ओके, द नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हुआ था पहले 1969 में स्टार्ट हुआ था। 1969 में एक पहली एक नेटवर्क बनाया गया था जिसको बोलते हैं आर्पानेट। ओके, तो ये आर्पानेट दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क इन द हिस्ट्री। ओके, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ये आर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, तो दिस इज आर्पानेट। ये आर्पानेट स्टार्ट हुआ था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। ओके, दैट मीन्स US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसको स्टार्ट किया था, इसको स्पॉन्सर किया था। ओके, तो इसका मोटिव था क्या है? टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड US डिफेंस। US का जितने सारे यूनिवर्सिटीज है उस सारे यूनिवर्सिटीज का जो जितने सारे कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर को और US डिफेंस डिपार्टमेंट को इंटरकनेक्ट करके एक बड़ा सा नेटवर्क बनाने का इसका मोटिव था। ओके, सो धीरे धीरे ये क्या हुआ, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स ये सभी को आर्पानेट में वो ज्वाइन किए। यूएसए का जितने इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, वो सभी का एंड रिसर्चर्स, वो सभी धीरे धीरे ये आर्पानेट में कनेक्ट होते गए। ये नेटवर्क धीरे धीरे बड़ा होता गया। ओके, एंड अगेन In 80s, the another network is started, that is NSFNet, National Science Foundation Network. ओके, ये एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क है जो कि एकेडमिक रिसर्च के लिए ओनली बनाया गया था। मतलब जितने सारे स्कूल, कॉलेज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है USA में, वो सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करने के लिए ये नेटवर्क पहली बार बनाया गया था। ये एक प्राइवेट नेटवर्क था, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ओके, तो बाद में क्या हुआ, आर्पानेट एंड ऑल NSFNet, जितने सारे छोटे छोटे NSFNet थे वो सभी कंबाइन होकर इंटरनेट फॉर्मेशन किया। अभी जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ये इंटरनेट पहले आर्पानेट से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे वो इंटरनेट में कन्वर्ट हो गया और ये धीरे धीरे USA से डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जितने सारे कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर को वो इंटरनेट करते गए। देन होल वर्ल्ड का सभी कंप्यूटर को धीरे धीरे वो कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होकर एक सिंगल बड़ा सा नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम दिया गया इंटरनेट। ओके, तो यह हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। ओके, अभी हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आता है हमारा कंप्यूटर, NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, देन हब और स्विच, देन नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ओएस, देन ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये फाइव कंपोनेंट हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये फाइव कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे। ओके, तो पहले फर्स्ट कंपोनेंट था हमारा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर दो टाइप का कंप्यूटर यूज होता है, एक क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर होता है। तो देखेंगे क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है। सो क्लाइंट, जिसको वर्कस्टेशन और नोड बोला जाता है, इट इज ए नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टू ए नेटवर्क टू शेयरिंग रिसोर्सेस। तो ये एक नॉर्मल कंप्यूटर है। ओके, क्लाइंट और जिसको वर्कस्टेशन और नोड बोलेंगे वो एक नॉर्मल कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने सारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो सभी नॉर्मल कंप्यूटर कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन या रिसोर्स शेयरिंग में वो काम करते हैं। देन दूसरा है सर्वर। सर्वर, इट इज़ ए पावरफुल कंप्यूटर इन द नेटवर्क विच हेल्प्स टू शेयरिंग फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन एमोंग द क्लाइंट्स इन द नेटवर्क। ओके, एंड इट कंट्रोल्स ऑल द क्लाइंट्स इन द नेटवर्क। दैट मीन्स एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं या वर्कस्टेशन या नोड होते हैं, पर एक ही सर्वर होता है जो कि मेन कंप्यूटर होता है, उसको हम सर्वर बोलते हैं। और बाकी जितने सारे कंप्यूटर होते हैं वो सभी क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकल समझेंगे।
दिस इज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर हैं और बीच में एक मेन कंप्यूटर है जिसको हम सर्वर बोलते हैं और बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर। तो ये जो सर्वर कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। दैट मीन्स अगर कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर के पास मैसेज भेजना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वो सारे इंफॉर्मेशन सर्वर के थ्रू ही वो सेंड करेंगे। जैसे आपके क्लासरूम में एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर क्या करता है, क्लास में जितने सारे बच्चे हैं सभी को वो कंट्रोल करता है। तो कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे के पास जाता है या कोई भी बात करता है, कोई भी नोटबुक बुक पेन पेंसिल जो भी कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से मांगना चाहता है या देना चाहता है तो वो विद द परमिशन ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर के परमिशन में से ही वो दूसरे बच्चे के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। ओके, अगर मॉनिटर नहीं बोलेगा तो आप इसके साथ बात नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह ये सर्वर है। तो सर्वर क्या करता है, अगर कोई क्लाइंट दूसरे क्लाइंट ये क्लाइंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वो पहले इन्फॉर्मेशन वो सर्वर को देगा, देन सर्वर क्या करेगा वही इन्फॉर्मेशन दूसरे क्लाइंट को देगा। तो एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सर्वर के थ्रू ही वो कम्युनिकेट करेगा, सर्वर सभी को कंट्रोल करता है। ओके, तो हमने एडवांटेजेस में जो कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेजेस में पढ़ा था, सभी क्लाइंट का बैकअप इस सर्वर में रहता है। ओके, जो भी नेटवर्क का जो रिसोर्स होता है या सॉफ्टवेयर होता है वो सर्वर में इंस्टॉल होता है मेन कंप्यूटर में, बाकी सारे उसको शेयर करके यूज करते हैं। ओके, तो सर्वर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, इसके साथ बहुत इसमें बहुत पावर रहता है। ओके, ये सब क्योंकि ये सभी का मेन होता है, सबको ये कंट्रोल करता है, तो दिस द पावरफुल कंप्यूटर और ये सभी नॉर्मल कंप्यूटर। ओके, तो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा मतलब बहुत सारे क्लाइंट रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6 क्लाइंट लिया गया है, आप 10 क्लाइंट ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, पर सर्वर एक होता है, वो एक सर्वर सभी क्लाइंट को कंट्रोल करता है। ओके, द नेक्स्ट इज योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और NIC। ओके, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेप, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम टेप बोलते हैं। इट इज अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू ईच क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये जो NIC कार्ड होता है वो सभी हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल में देखा था, क्लाइंट सर्वर का डायग्राम। एक नेटवर्क के अंदर जितने क्लाइंट होता है, जितना सर्वर होता है, वो सभी क्लाइंट एंड सर्वर में ये NIC कार्ड लगाया जाता है, NIC कार्ड होता है। ओके, विच हेल्प्स टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन देम। जो NIC क्लाइंट एंड सर्वर के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट सर्वर को कुछ भेजता है, सर्वर क्लाइंट को कुछ भेजता है, तो वो जो भी कम्युनिकेशन होता है वो NIC के थ्रू ही होता है। तो ए यूनिक फिजिकल एड्रेस इज असाइन टू ईच NIC कार्ड। जो NIC कार्ड क्लाइंट के पास या सर्वर के पास होता है वो ईच NIC कार्ड के अंदर एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है। ओके, वो फिजिकल एड्रेस को हम बोलते हैं MAC एड्रेस। ओके, सो ये जो देखो NIC का डायग्राम, NIC हमारा ऐसा होता है, ये एक चिप जैसा होता है, माइक्रोचिप। ये चिप को हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर होता है उसका CPU के अंदर इसको फिक्स किया जाता है। इसके अंदर एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं MAC एड्रेस। ओके, देखो तो यहाँ पे हमारा एक MAC एड्रेस का एग्जांपल दिया गया है। देखो फिजिकल एड्रेस MAC एड्रेस, ये कुछ अल्फाबेट कुछ नंबर का कॉम्बिनेशन में हुआ है। ओके, तो ऐसा एक एड्रेस एवरी NIC को दिया जाता है, वो NIC के थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ मैसेज शेयर करता है। ओके, अगर एक कंप्यूटर कुछ मैसेज शेयर करेगा तो वो कौन सा कंप्यूटर को, कौन सा क्लाइंट को मैसेज भेजना चाहता है, वो क्लाइंट का उसका भी एक MAC एड्रेस होगा, तो मैसेज के साथ वो MAC एड्रेस अटैच करके भेजता है। तो सर्वर के पास जब मैसेज जाएगा तो सर्वर चेक करेगा ये किसका MAC एड्रेस वो दिया है, वो उसी MAC एड्रेस को चेक करके वो कंप्यूटर के पास भेजेगा। जैसे कि हम कोई भी लेटर भेजते हैं, पहले जो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर भेजते हैं तो लेटर में हम क्या लिखते हैं, टू फ्रॉम लिखते हैं। टू मतलब हम किसको मैसेज भेजना चाहते हैं, फ्रॉम मतलब हमारा एड्रेस,
ऐसे हम देते थे, तो पोस्टमैन क्या करता था, वो टू को देख के पता चलता था ये मैसेज किसी के पास भेज रहा है, तो वो वही एड्रेस में जाकर वो मैसेज को पोस्ट करता था। तो हम मैसेज के साथ ये मैक एड्रेस सेंड करेंगे, तो सर्वर देखेगा ये किसका मैक एड्रेस दिया गया है, कौन सा कंप्यूटर को वो मैसेज भेजा जाएगा। तो सर्वर क्या करेगा, वो मैक एड्रेस को चेक करके वही कंप्यूटर के पास मैसेज भेजेगा। ओके, द नेक्स्ट इज योर हब और स्विच। सो इट इज ए डिवाइस दैट अलाउस यू टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर टू ए सिंगल नेटवर्क डिवाइस। ओके, तो लेट्स सी, ये डायग्राम हम पहली बार देखे थे कंप्यूटर नेटवर्क में। तो ये देखो, यहाँ पे मैं बताया था आपको, ये स्विच है। ओके, तो ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, एक नेटवर्क में जितने सारे कंप्यूटर होते हैं वो सभी कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करके एक सिंगल नेटवर्क बनाता है। अगर ये स्विच बीच में नहीं होता, ये स्विच को बीच में से निकाल देंगे, तो ये जो सारे डिवाइस है वो सारे डिवाइस क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सभी स्विच के थ्रू ही हो रहे हैं। अगर स्विच को निकाल देंगे तो सभी क्या हो जाएगा, एक एक स्टैंड अलोन डिवाइस हो जाएगा। ये एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर, स्टैंड अलोन प्रिंटर, स्टैंड अलोन फाइल सर्वर, सभी स्टैंड अलोन हो जाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जब हम स्विच को इसमें यूज करेंगे, तो स्विच के थ्रू इसमें बहुत सारे देखो पोर्ट होता है, बहुत सारे होल्स है, इसको पोर्ट बोलते हैं। तो डिफरेंट ये जो जितना पोर्ट होते हैं वो पोर्ट के थ्रू सभी कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो कनेक्ट होने के बाद एक सिंगल नेटवर्क बन जाता है। द नेक्स्ट हम देखेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेटवर्क मतलब कंप्यूटर को हम जो नेटवर्क में यूज करेंगे, नेटवर्क में कैसे फाइल शेयर होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फाइल जाता है, रिसोर्स कैसे शेयरिंग होता है, सॉफ्टवेयर कैसे शेयरिंग होता है, इसका सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होता है। ओके, तो सारे इंफॉर्मेशन, वो सारे प्रोसेसिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, जिसको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो बहुत सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, उसका एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी एंड 2000, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये यूज होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन नोवेल नेटवर्क, यूनिक्स, लिनक्स। ओके, सो दीज आर द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी नेटवर्क में, नेटवर्क एवरी कंप्यूटर के अंदर होता है। ये सॉफ्टवेयर को यूज करके वो सारे कंप्यूटर काम करते हैं। देन ट्रांसमिशन मीडिया, ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है। ट्रांसमिशन मीडिया का हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये है दैट इज गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। अगेन गाइडेड मीडिया को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, देन ऑप्टिकल फाइबर। ये तीन गाइडेड मीडिया है, मतलब गाइडेड का मतलब एक स्पेसिफिक पाथ होता है, स्पेसिफिक केबल वायर है, जो केबल वायर के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारा शेयर होता है, तो इसके लिए इसको गाइडेड मीडिया बोलते हैं। देन अनगाइडेड, अनगाइडेड मतलब इसका कोई भी स्पेसिफिक पाथ नहीं होता है, केबल वायर नहीं होता है, वो स्पेस में एयर में उसका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, इसके लिए इसका कोई भी पर्टिकुलर पाथ नहीं होता है, इसके लिए इसको अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। तो अनगाइडेड मीडिया के अंदर हमारा चार मीडियम है, जो कि माइक्रोवेव, रेडियोवेव, इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ। ओके, तो ये गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया है, दो टाइप का मीडियम हमारा नेटवर्क के अंदर यूज होता है। ओके,